जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ गए जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। यहाँ से दोस्तों प्रश्न 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लास्ट में आपसे बताने 25 प्रश्नों में से आप सभी के कितने प्रश्न सही गए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नीचे आप सभी को लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ फाइल जो है आप सभी को दोस्तों एप्लीकेशन में मिलेगी। दस्तक अकेडमी नाम है एप्लीकेशन का, ठीक है। वहां से आप सभी को प्ले स्टोर से आप लोग जिसने भी डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहीं पे आप सभी को दोस्तों इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश को मिला दोस्तों? ये सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे बताइए आप लोगों ने। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश को मिला, किस देश ने जीते सर्वाधिक पदक, बताना है आप सभी को। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इंग्लैंड, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक पदक जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखेंगे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक पूछा गया आप सभी से, सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, या फिर मौलाना सिबली, या फिर सर सैयद अहमद खां। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? डी राइट है, याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां। याद रखेंगे करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग। चार ऑप्शन पढ़िए आपसे लोग, 1991 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 1995 में हुई थी। याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी बताइएगा आप लोग। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1920 को, 10 दिसंबर 1919 को, 10 जनवरी 1920 को, या फिर 1 जनवरी 1920 को। दोस्तों चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, 10 जनवरी 1920 को हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिएगा दोस्तों क्या क्वेश्चन है। फाइव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? कानन देवी, देविका रानी, सुलोचना, या फिर नरगिस दत्त। दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, नरगिस दत्त। याद रखेंगे करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा डी राइट है। पद्म श्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली महिला दोस्तों कौन थी? सबसे पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है दोस्तों? या कार्यकाल पूछ लिया जाएगा, कार्यकाल सेवा काल सेम है, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है बताइएगा आप लोग। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसको भी बड़ा आराम से पढ़ने की कोशिश करें तभी सही उत्तर दे पाओगे आप लोग। शतरंज, शतरंज को दोस्तों चेस भी बोलते हैं, ठीक है। शतरंज का खेल शुरू हुआ था किस देश में? शुरू हुआ था दोस्तों बताइएगा आप लोग, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई? सिंपल सी बात है, भारत में, पर्सिया में, अरब में, यूरोप में, बताइए आप लोग। दोस्तों सातवें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, भारत में हुई थी, याद रखिएगा शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिर से क्वेश्चन देखिएगा।
यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है पूछा गया आप सभी से? पेरिस, फ्रांस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए, या फिर बैंकॉक, थाईलैंड। दोस्तों करेक्ट है इसका 8वें क्वेश्चन का, राइट है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला, पेरिस फ्रांस में है, याद रखेंगे ठीक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में, जिस पेरिस फ्रांस में है याद रखेंगे, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई दोस्तों? भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है बताइएगा दोस्तों, किस देश से ली गई है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, या फिर फ्रांस। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कनाडा देश से ली गई है, याद रखेंगे ठीक है ना। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है दोस्तों? थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? थॉमस कप बताइएगा आप लोग, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, या फिर बैडमिंटन। दोस्तों 10th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका क्या? 10th का राइट है ऑप्शन नंबर डी वाला, बैडमिंटन खेल में दिया जाता है यहाँ पर थॉमस कप, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 11th क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है दोस्तों? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की दोस्तों संख्या कितनी पूछा गया आप सभी से? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या दोस्तों 8 है ठीक है ना, कितनी है? 8 है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध दोस्तों किस नदी पर है पूछा गया आप सभी से बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? व्यास, झेलम, सतलज, या फिर घाघरा। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, सतलज नदी पर है, याद रखिएगा ठीक है ना, किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों पूछा गया आपसे भी से बताइएगा। म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार को दोस्तों बर्मा भी कहते हैं ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बर्मा है ठीक है। म्यांमार की दोस्तों यहाँ पर क्या पूछी गई? मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट है डी वाला, क्यात है, याद रखेंगे ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, देश भर में कब लागू किया गया? जीएसटी कब लागू की गई दोस्तों? जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर देश भर में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 में, 12 अगस्त 2016 में, 1 मार्च 2018 में, 3 जुलाई 2015 में। दोस्तों 14 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 1 जुलाई 2017 में, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू की गई थी, याद रखिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है दोस्तों? भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? ऑप्शन पढ़ सकते हो यहां पर, देखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, या फिर मदन मोहन मालवीय। दोस्तों 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, जयप्रकाश नारायण है, याद रखिएगा। लोक नायक की पदवी दोस्तों किसको दी गई है? जयप्रकाश नारायण जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? कृति, थिल्लाना, या फिर स्लोकम, या फिर टप्पा। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ठीक है, टप्पा। टप्पा दोस्तों ये पंजाब का एक है, याद रखिएगा, संगीत रूप। टप्पा पंजाब का संगीत रूप है, याद रखिएगा। अन्य सभी कर्नाटक के संगीत रूप है, इसे भी आप सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? भारत रत्न का सम्मान सबसे पहले किन को मिला था दोस्तों? इसमें से बी सी राय को, एस चंद्रशेखर को,
गोविंद बल्लभ पंत को या फिर सीवी रमन को? बताइएगा आप लोग। करेक्ट आंसर है 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, क्या करेक्ट है, 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ जा रहा है, याद रखिएगा। ये देखिए आगे पीछे हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, याद रखिए आप लोग। यहाँ पर सी वाला ही करेक्ट है, ठीक है, सी वाला ही करेक्ट है, सीवी रमन को, सीवी रमन को मिला था। तीन लोगों को मिला था, कौन कौन थे वो तीन लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक तो सीवी रमन थे, दो लोग और थे, उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, कौन से रेलवे के टर्मिनल हैं दोस्तों ये दोनों? 18वें क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाला, मॉस्को और ब्लाडिवोस्टोक, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है कौन से रेलवे के? मॉस्को और ब्लाडिवोस्टोक के, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है दोस्तों? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है दोस्तों? किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों 19 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, भारत है अपना देश, भारत, याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना, इंडिया। अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं दोस्तों? कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र, समान तापमान वाले क्षेत्र, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, बराबर धूप वाले क्षेत्र। 20 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाता है, याद रखिएगा, कंटूर काल्पनिक रेखाएं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 क्वेश्चन, भारत के, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, 21 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सभी को पता होना चाहिए भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, कौन से राज्य का ऐसा क्षेत्रफल है जो सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के सभी राज्यों के क्षेत्रफल से सबसे अधिक है, याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाता है सबसे पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक, दोआब, तराई। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं जल संभर, जल विभाजक, दोआब या फिर तराई? दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, दोआब बोलते हैं, याद रखेंगे। 22 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बिहार का विषाद है, मतलब कि बिहार की किस नदी को शोक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बताइएगा आप लोग, बिहार का विषाद क्या है, कौन सी नदी है दोस्तों विषाद? बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है इसे, कौन सी नदी दोस्तों, बताइए आप लोग? दामोदर, कोसी, सोन, गंडक। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर को बोलते हैं, ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर को बोलते हैं, जबकि बिहार का शोक दोस्तों कोसी को बोलते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण कौन सा है, बताइए आप लोग? चाप झील, महाखंड गार्ज, अंतरघाटी या फिर कटा किनारा जिसे बोलते हैं कट बैंक? करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 24 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखें। इसी प्रश्न, इसी टाइप से प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी पेपर में, ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से आया, मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो बिना पढ़े वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसी टाइप से जो पढ़ा है मैंने, ठीक है, इस टाइप से प्रश्न भी बनते हैं, तो इनको भी याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है दोस्तों? भारत का किस राज्य की सीमा दोस्तों म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश? 25 क्वेश्चन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, असम। असम राज्य की सीमा दोस्तों म्यांमार यानी बर्मा से नहीं लगती है, याद रखेंगे, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन चार राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।
जय हिंद दोस्तों।